सब्सक्राइब कीजिए प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। सिलेबस में अगले जो सवाल है 8वां, 9वां, 10वां और 11वां उसमें आपको गणफल करना है, वही 9th क्लास का है, इसमें भी मैटर पूरा। अब गणफल वही निकलम विधि लगानी है यहाँ पर भी, जैसे निकलम आ जाए सबसे पहले क्या आएगा आधा, फिर क्या आएगा विचलन। अब इसका सूत्र डायरेक्ट भी है और आप बना भी सकते हो। बनाए होगे कैसे, जैसे 9th क्लास में हमने तीन तीन संख्याओं का गुणा किया था, क्या था गुणा। अब मैं बना के बता देता हूँ आपको सूत्र कैसे बनाओगे आप लोग, है ना। या तो डायरेक्ट याद रख लो, अगर मान लो याद नहीं रहना है तो आप बना भी सकते हो। तो कैसे बनाएंगे सूत्र, देखो ध्यान दो। सबसे पहले तो मानेंगे आधार, आधार मानेंगे, बताओ आधार कितना। पहले में नंबर 15 है तो 15 किसके पास आता है, अभी ज्ञात करेंगे संख्या माइनस आधार, संख्या कितनी 15, आधार कितना, विचलन कितना आ गया। अब देखो तीन तीन संख्या, देखो घनफल करना है यहाँ पर, घनफल का मतलब होता है उसी नंबर को उसी नंबर से तीन बार गुणा करना, जैसे 15 गुणा 15 गुणा 15 घनफल का मतलब ये है। यहाँ पर पहले किया था वर्ग, वर्ग का मतलब था उसी नंबर को उसी नंबर से दो बार गुणा करना, अब यहाँ कितनी बार गुणा करना, तीन बार। अब जब हम गुणा करते थे घनफल निकालते थे, मतलब गुणा करते थे तीन तीन संख्याओं का निकलम में, कैसे करते थे, यहाँ तो लिखते थे संख्या कितनी 15, उसके सामने लिखते थे उसका विचलन 5, फिर अगली संख्या भी कितनी है 15 ही है, विचलन कितना 5, फिर अगली संख्या भी कितनी है, विचलन कितना 5, ऐसा ही करते थे, ऐसा ही करते थे ना। अब एक तो लेते थे संख्या, ये ले ली संख्या, प्लस बाकी दोनों संख्याओं का विचलन, ये लेते थे दोनों संख्या कितनी 5 प्लस 5, एक तो लेते थे संख्या और बाकी दो का लेते थे विचलन, और फिर लिखते थे ओब्लिक, ठीक है। अब देखो पहला विचलन इंटू दूसरा विचलन 5 इंटू 5, और फिर लगाते थे प्लस, दूसरा विचलन इंटू तीसरा विचलन 5 इंटू 5 प्लस, अब तीसरा विचलन इंटू पहला विचलन 5 इंटू 5, ऐसे करते थे, फिर लगाते थे ओब्लिक, विचलनों का गुणा, तीनों विचलनों का गुणा करते थे, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे बढ़ाते थे। अब देखो इससे सूत्र बनाइए, बताओ संख्या कितनी, ये तो क्या है संख्या, 15 तो कह रहे संख्या, प्लस विचलन कितनी बार है, दो बार, कितनी बार है, दो बार, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू विचलन, क्या आ जाएगा ओब्लिक। अब देखो विचलन इंटू विचलन, विचलन का स्क्वायर 5 इंटू 5, मतलब ये भी विचलन और ये भी विचलन, विचलन इंटू विचलन, तो विचलन क्या क्या हो गया स्क्वायर, ऐसा कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार क्या आ जाएगा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक। अब देखो विचलन इंटू विचलन इंटू विचलन, तो क्या आ जाएगा विचलन का क्यूब, तो देखो ये बन गया आपके सामने, आगे सुनिए, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर इंटू विचलन का क्यूब। अगर मान लो तुम्हें सूत्र याद नहीं रहता, भूल जाओ बाय द वे, तो ऐसे करके ये सूत्र बना सकते हो आप, आगे सुनिए। तो अब डायरेक्ट करता हूँ मैं इस सूत्र के माध्यम से, ये सूत्र हो गया इसका, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब, ठीक है ना, ये सूत्र हो गया। अगर मान लो इसमें आपको उपादान की जरूरत पड़ेगी, जैसे सवाल नंबर 10वां है और सवाल नंबर 11वां है, दोनों में आपके उपादान की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, तो आगे वाले जो नंबर है उसको तो करना है उपादान अंक के स्क्वायर से गुणा, और यहाँ बीच में करना है उपादान अंक से गुणा, ये दो चेंज कर रहे हैं, जैसे अभी करेंगे रफ कर दो इसको, है ना, अभी उतार देता हूँ मैं दोबारा सूत्र। ये तो केवल मैंने आपको सूत्र बनाना सिखाया था कि बाय द वे आप भूल जाओ, सूत्र याद नहीं रहे तो आप ऐसे बना सकते हो, अगर डायरेक्ट याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी देखो क्या था सूत्र बेटा, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ सूत्र के अकॉर्डिंग, बताओ संख्या कितनी 15, प्लस है तो प्लस, दो का दो, इंटू विचलन कितना 5, ठीक है, ओब्लिक तीन का तो 3, इंटू विचलन कितना 5 का स्क्वायर ओब्लिक विचलन कितना 5 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पहले इसको करेंगे, हमेशा पहले होगा गुणा और बाद में होगा
पहले गलती से 15 और 2 17 मत करना और उसको 5 से गुणा कर दो। पहले हमेशा गुणा होता है और बाद में जोड़ होता है। पहले इन दोनों का गुणा होगा, 5 दुनी 10, 10 में 15 जोड़ा तो 25, 5 दुनी 10, 10 में 15 जोड़ा तो 25 ऑब्लिक 50, 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 किसे गुणा करेंगे, 50 25, 25 दी 75, 25 दी 75 ऑब्लिक 5 की घात 3, 5 इंटू 5, 50 25, 25 बन गयो 125, कितना हो गया 125 हो गया। अब देखो आधार में कितनी जीरो, एक, कितनी जीरो एक, पहले खाने को छोड़कर बाद वाले खानों में एक एक अंक आएगा, कितना कितना अंक आएगा एक, क्योंकि आधार में कितनी जीरो है एक, तो यहाँ से एक अंक केवल कितना आएगा पांच, बचा कितना 12, 12 आगे जुड़ेगा, यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 8, यहाँ से भी केवल कितना आएगा 7, 8 आगे जुड़ेगा, 8 आगे जुड़ते कितना हो गया 33, तो ये आ गया 33 75, आया सुनने कमाया हो तो ये देखो 91 91 दे रखा है। अब यहाँ भी ऐसा ही करना है, सबसे पहले क्या मानना है आधार, क्या मानना है आधार, संख्या 90 से बड़ी आ गई, आधार कितना 100, आधार कितना लेना है 100, बताओ आधार कितना 100, आधार आ गया 100। अब क्या ज्ञात करना पड़ेगा विचलन, संख्या माइनस आधार, संख्या कितनी 93, आधार कितना 100, कितना बचा 9, और 9 किसका बचा माइनस, 9 किसका बचा माइनस का, संख्या माइनस की बड़ी है। अब लगाएंगे फॉर्मूला डायरेक्ट, बताओ सूत्र क्या है, संख्या प्लस 2 इनटू विचलन ऑब्लिक विचलन का 3 इनटू 3 इनटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, ये होता है। बताओ संख्या कितनी 91 प्लस 2 का तो 2 इनटू विचलन कितना माइनस 9 है, ये माइनस का 9 आ जाएगा ऐसे कोष्ठक में, ऑब्लिक 3 का तो 3, बताओ विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना माइनस 9 का स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का क्यूब, कितना विचलन माइनस 9 का क्या आ जाएगा क्यूब, ठीक है। अब हल करेंगे, पहले होगा गुणा बाद में होगा जोड़, देखो ये 91 का तो 91, अब यहाँ देखो 9 दुनी 18, 9 दुनी 18 माइनस प्लस माइनस, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, जैसे माइनस आ जाए तो माइनस प्लस माइनस, 9 दुनी 18 ऑब्लिक, अब देखो 9 का स्क्वायर कितना 81, नाम नाम का 81, 81 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 81 को किससे गुणा करेंगे 3 से, 81 को गुणा करेंगे 3 से, 3 एक 8 3 24, कितना आ गया 243 ऑब्लिक। अब देखो ये 9 की घात 3, 9 को कितनी बार गुणा करना है 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये होता है 729, कितना होता है करके देख लेना, और 9 के घन तो आपको याद होना चाहिए, मैंने करवाया भी था, 729 और घात 3 है ना विषम है, इसलिए किसका आएगा माइनस का 729 आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्यों आया, क्योंकि घात विषम है, घात समय होती तो किसका आ जाता प्लस का। अब देखो यहाँ नंबर किसका आ गया माइनस का, अब आप इसको किसमें बनाना है प्लस में, किसमें बनाना है प्लस में, आधार कितना 100, आधार कितना 100, अब इधर से उधार लेना पड़ेगा, इधर से अगर एक उधार लोगे तो 100 जाएगा, एक उधार लेते कितना जाएगा, क्योंकि आधार कितना है 100, अब एक उधार लेने से काम चलेगा क्या, क्योंकि संख्या वापस किसकी आ जाएगी, तो कितना होता, दो उधार लेते 200, तीन उधार लेते 300, 300 से भी नहीं चलेगा, किससे चलेगा 800 से, किससे 800, तो कितना उधार लेना पड़ेगा 8 उधार लेते 800 जाएगा, और 800 जाते संख्या किसकी आ जाएगी प्लस, तो कितना उधार लेंगे 8, 800 क्यों जाएगा, क्योंकि आधार में कितनी जीरो है 2, मतलब 100 है ना। अब देखो पहले तो घटाओ, यहाँ ये घटाओ तो यहाँ तो बच गया 3 और यहाँ बच गया 7, सही है, 11 में से 8 गया तो 3, 8 में से 1 गया तो 7 ऑब्लिक, अब इधर से कितना भेजोगे 243 में कितना जाएगा 8, जैसे 8 गया तो कितना गया रे 800 माइनस कितना 729, ठीक है। अब यहाँ देखो 73 का तो 73 ऑब्लिक घटाओ, यहाँ पे 235 कितना बचा 235, यहाँ भी घटाओ कितना बचा 71, 800 में से 829 घटाओ कितना बचेगा, हो गया सब। आधार में कितनी जीरो, पहले खाने को छोड़कर कितने कितने अंक आएंगे दो, दो पीछे तो दो ही है 71 का 71, यहाँ से कितना 35, बचा कितना आगे जोड़ देंगे कितना हो गया 75, आ गया 75 35 71, आगे सुनिए।
अब वो देखो दो उपादार वाले हैं, अभी पहले इनको उतार लो फिर उनको करवाते हैं। उपादार में थोड़ा चेंज होगा, बाकी सेम वही है। देखो दो सवाल और बच रहे इसके, एक तो है आपके दसवें नंबर का, दसवें नंबर पे दे रखा है आपको 32। अब देखो यहाँ आपको उपादार की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी उपादार। अब उपादार से मैंने बताया था अभी सूत्र में चेंज करके, सूत्र तो वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज करना है। बताओ सबसे पहले तो आधार कितना, आधार आ जाएगा 10। मैंने बताया था संख्या 90 से छोटी आ जाए तो आधार कितना लेना है 10। अब इसके लिए आपको 10 32 से बहुत दूर है, किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ बेटा, ऐसा अंक जो गुणा करने पर 32 के पास पहुंच जाए, कितना 3 से गुणा करते कितना हो गया 20 हो गया। अब क्या याद करेंगे विचलन, अब याद करेंगे विचलन, संख्या माइनस आधा उपादान, क्या उपादान उपादान लेंगे, संख्या कितनी 32, उपादान कितना 30, कितना आया विचलन 2 आ गया। अब लिखेंगे सूत्र, सूत्र तो वही लिखो बिना उपादान वाला, फिर जोड़ लेंगे। अभी अभी बताया लिखा था मैंने, क्या लिखा था संख्या संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का। अब जैसे ही उपादान का प्रयोग हो जाए आगे वाले नंबर को तो गुणा करना है उपादार अंक का स्क्वायर, उपादार अंक का स्क्वायर, और बीच वाले नंबर को गुणा करना है उपादार अंक से, किसे गुणा करना है उपादार अंक से, आगे तो लेना है उपादार अंक का स्क्वायर और यहाँ लेना है उपादार अंक, ठीक है। अब देखो उपादार अंक, बताओ उपादार अंक कितना 3, ये तो है उपादार अंक और ये है उपादार, ऐसा लिख देना है आपको, ये तो अंक है और ये उपादार है, ठीक है। उपादार अंक कितना 3 का आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर कोष्ठक। संख्या कितनी 32 प्लस 2 इंटू विचलन कितना 2 ऑब्लिक उपादार अंक कितना 3 इंटू सूत्र का विचलन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। अब बताओ 3 का स्क्वायर 9 चिंती है 9 पहले होगा गुणा और बाद में होगा जोड़, 2 दूनी 4 और 32 कितना हो गया 36। गलती मत करना, पहले बार बार कह रहा हूँ 32 में 2 जोड़ के गुणा कर दो, पहले पीछे गुणा करो फिर इधर जोड़ो, 2 दूनी 4 4 को 32 में जोड़ा कितना हो गया 36 इंटू 36 ऑब्लिक 2 दूनी 4 3 तिया 9 चौका 36 कितना हो गया 36 ऑब्लिक 3 तिया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 अब बताओ यहाँ भी गुणा करेंगे, बताओ कितना 9 6 54 हासिल का 5 9 3 27 27 और 5 कितने हो गए 32 दोनों गुणा करोगे तो आएगा 324 ऑब्लिक 36 ऑब्लिक 8। बताओ आधार में कितनी जीरो एक, पहले खाने को छोड़ कितने कितने अंक आएंगे एक, कितने कितने अंक आएंगे एक, यहाँ एक ही है 8 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे आगे तो 300 और 327 का 327 आगे सुनिए। अब है लास्ट 208 है 11वां सवाल, 11 में कितना दे रखा है 208, संख्या 90 से बड़ी है तो आधार कितना 100, आधार कितना लेंगे रे 100, आधार आ जाएगा 100। अब क्या लेना पड़ेगा उपादान, उपादान कितना 2, उपादान आ जाएगा 2, उपादान कितना आ जाएगा 2, उपादान आ जाएगा 2, 2 से गुणा करते हैं 200। अब ज्ञात करेंगे विचलन, सूत्र क्या होता है संख्या माइनस उपादान, संख्या कितनी 208, उपादान कितना 200, विचलन कितना आ गया 8 आ गया 8। अब लगाएंगे सूत्र, ये लिख रहा सूत्र वही लिखना है, सूत्र को बार बार लिखो प्रत्येक सवाल में लिखो ताकि आपको सूत्र याद हो जाए, ऐसे रटने से याद नहीं होता है सूत्र, सूत्र को बार बार लिखोगे ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बताओ सूत्र क्या था, सूत्र क्या था ये तो देखो, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर इंटू विचलन का क्यूब, जब भी उपादार आ जाए तो आगे तो गुणा करना है उपादार अंक का स्क्वायर और बीच में गुणा करना है उपादार अंक से, ठीक है। अब बताओ उपादार अंक कितना, कितना है उपादार अंक कितना है 2, कितना है 2, कितना है 2, ये आ जाएगा 2, धीरे बोलो ये 2 का स्क्वायर
कोष्टक संख्या कितनी, संख्या कितनी 208 प्लस सूत्र का विचलन कितना 8, उपादान अंक कितना 2, इनटू सूत्र का 3, विचलन कितना, विचलन कितना 8, ये रहा 8 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, मतलब 8 का क्यूब। अब गुणा करते हैं, देखो 2 दुनी 4, 4 हो गया, यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुणा, पहले इधर गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे, अभी बार बार कह रहा हूँ, 8 दुनी 16, 16 को 208 में जोड़ो 224, ठीक है, ऑब्लिक 3 दुनी 6, 8 बटी 64, 64 को किसे गुणा करेंगे, 6 का 24, आंसर का 2, छगना का 36, 36 और 2 38 आ गया। अब ये देखो 8 की घात 3, 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना होता है 512, कितना होता है, अभी लिखाया था मैंने 2-3 दिन पहले, तो पूरा के पूरे 512 गुणा कर लेना इधर 8 × 8 × 8 तीन बार, ठीक है। अब आगे वाला गुणा करो, 4 × 16 आखिर का 1, 4 × 8 और 1 9, 4 × 8 ऑब्लिक कितना 384 ऑब्लिक कितना 512, आधार में कितनी जीरो 2, पहले खाने को छोड़ कितने कितने अंक आएंगे 2, यहाँ कितना 12, 5 आगे जोड़ लेंगे तो ये हो गया 300, यहाँ से 90 कितना बचा 3, आगे जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 899, आगे समझे क्या जाएगा, आगे ना सबको कंप्लीट।